एक्टर सभी बनना चाहते हैं, बहुत से लोग अच्छी एक्टिंग कर भी लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर एक्टर्स को आती है, खासतौर से उन लोगों को जो कि अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली साइड हो गया, हरियाणा हो गया, या साउथ की स्टेट्स हो गए। वहाँ पर जो उनकी भाषा है या जो मातृभाषा है, उसकी वजह से उनकी हिंदी क्लियर नहीं होती और इसलिए वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसको कहते हैं डिक्शन की प्रॉब्लम या लैंग्वेज की प्रॉब्लम। इससे कैसे बचा जा सकता है, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। शांत रहने का स्वभाव सबका नहीं होता, शांत रहने का स्वभाव सबका नहीं होता। पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं। डिक्शन, ये डिक्शन होता क्या है, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं। डिक्शन का मतलब है कि उच्चारण और सही तरीके से उच्चारण। जो भी शब्द हैं उनका उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जिस भी भाषा में काम कर रहे हैं, आप अगर मान लीजिए मराठी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो उसका भी उच्चारण आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो आपकी हिंदी एकदम क्लियर होनी चाहिए। हम सबको लगता है कि नहीं यार, हमारी तो हिंदी क्लियर है, खासतौर से यूपी में, बिहार में और बाकी जगहों पर ऐसा लगता है, नहीं यार हमारी हिंदी तो क्लियर है क्योंकि हम हिंदी में ही तो बात करते हैं। बात यह है कि आपके आसपास भी जितने लोग हैं वो भी उसी तरह से हिंदी में बात करते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपकी हिंदी में कौन सा उच्चारण गलत हो रहा है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे यूपी बिहार में कई बार श को सा बोला जाता है ना, जैसे वो बोलेंगे मैं शादी में जा रहा हूँ, लेकिन है क्या, मैं शादी में जा रहा हूँ। अब जैसे वो किसी को फ़ोन करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर को, देखिए प्रॉब्लम कहाँ थी, फ़ोन करते हैं या बात करते हैं और बोलते हैं मुझे ऑडिशन देना है, ऑडिशन तो सा आ गया, जबकि होना क्या था, मुझे ऑडिशन देना है। यहीं से आप पकड़ में आ जाते हैं कि आपकी जो भाषा है वो क्लियर नहीं है, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाते। इसको छोटी प्रॉब्लम मत समझिएगा, ये मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे कलाकार भाई बहनों की प्रॉब्लम है कि उनका डिक्शन खराब है, उनको नहीं मालूम है। शा सा का प्रॉब्लम होता है, मतलब सा को शा बोल देते हैं, शा को सा बोल देते हैं, जैसे शाम को आ जाऊँगा, जबकि है शाम को आ जाऊँगा, है ना। या इसके बाद होता है व बा का प्रॉब्लम, ब को वा बोलते हैं, व को ब बोलते हैं, दोनों में फ़र्क है। जैसे ज़्यादातर लोग अगर बिहार के होंगे तो वहाँ पे मुझे लोग क्या बोलेंगे, वीरेंद्र, जबकि है क्या, वीरेंद्र, तो यहाँ पे गलत हो गया। या इसी तरह से और लोग होंगे पंजाब के, तो वो क्या बोलेंगे, वीरेंद्र, है क्या, वीरेंद्र, क्योंकि उनको उस तरह से बात करने की आदत है और उनको लगता है वो सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके जब आप बॉलीवुड के लिए ऑडिशन देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, भले ही आप कितने भी अच्छे एक्टर हों। इसके बाद होते हैं उर्दू के वर्ड, जिनको हम नुक्ता बोलते हैं, या उनको उसी खास तरीके से बोलना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में बोल रहे हैं फिर भी, जबकि है क्या, फिर भी। अब उनको लगता है फिर भी सब बोल रहे हैं तो सही है, ऐसा नहीं है, वो है फिर भी। इसी तरह से और भी ज़्यादा शब्द है, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक है, इसमें मैंने जब ये एक्टिंग मेथड को पूरा डिस्कवर किया, जिससे कि आप बहुत आसानी से एक्टिंग सीख सकते हैं घर बैठे, उसमें मैंने इस वैल्यू को समझा और डिक्शन पे और नुक्ते पे मैंने स्पेशली चैप्टर लिखे। और अगर आप देख पाए, मैं आपको डिटेल में इसका फ्रेम दिखा दूंगा, मैंने उन सारे वर्ड्सों को भी वहाँ पर लिख दिया है कि आपको कैसे बोलना है सारे शब्द। हाँ, एक होता है रा रा, उड़ीसा की तरफ ज़्यादातर होता है रा और रा मिक्स हो जाता है, वो क्या बोलेंगे, घड़, मैं घर जा रहा हूँ, जबकि है क्या, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो सारे शब्द जो आते हैं और उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो मैंने पूरा इस बुक में बता दिया है। तो आप पहले तो खुद को चेक करें कि क्या मैं बोलता हूँ वो सही है या गलत है। देखने के लिए आप बड़ी आसानी से इस तरह से भी देख सकते हैं कि फिल्में आप देखते हैं उसमें जो भी शब्द बोले जा रहे हैं, जो श सा वाले हैं, व बा वाले हैं, र ळा वाले हैं, उनको आप बोल के देखिए और सुन के देखिए कि आपके बोलने में और उनके बोलने में फ़र्क है क्या। अगर फ़र्क है इसका मतलब प्रॉब्लम है, फ़र्क नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ऑडिशन देना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन है तो करना इतना सा है कि जैसे आपने बाकी चीज़ें सीखी हैं इसी तरह से आप डिक्शन को भी ठीक कर लीजिए। इसके लिए एक स्पेशली 2 महीने का कोर्स भी है जॉइन फिल्म्स में ऑनलाइन, जो आप अपने घर से कर सकते हैं। उसके बारे में पता करना हो तो आप टीम को कॉल कर सकते हैं, ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 8433666 बने, उस पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मतलब ये है कि प्रॉब्लम पहले पता कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, और सॉल्यूशन के लिए या तो आप बुक से शुरुआत कर सकते हैं या लगता है कि मुझे कोर्स करना चाहिए मेंटर के साथ, क्योंकि मेंटर सही हिंदी जानते हैं,
तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। अगर आपको कल को डबिंग भी करना है एक्टर्स को, डबिंग में भी डिक्शन की जरूरत पड़ेगी। वॉइस ओवर करना है उसमें भी डिक्शन सही होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग करना है उसमें भी डिक्शन सही होना चाहिए। आप अगर सिंगर हैं तो भी आपका डिक्शन प्रॉपर होना चाहिए, लैंग्वेज एकदम क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। तो आप अगर सिंगर हैं, एक्टर हैं, आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। क्योंकि आपके इतने अच्छे हुनर होने के बाद भी, बहुत अच्छा एक्टर या डबिंग आर्टिस्ट होने के बाद भी, बहुत अच्छा सिंगर होने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व कीजिए और करियर में आगे बढ़िए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा खुद को चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम है तो इसमें है। अगर मुझे लगा तो स्पेशली मैं शब्दों को लेकर डिटेल वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी एक्टर्स का, सिंगर्स का, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का फायदा हो सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can, I...